उधर वो निकल ही आएगा कि कहाँ तक वो निकल जाएगा, एक वापस ऊपर लाइब्रेरी तक लाइब्रेरी तक गया। एजेंसियां इस वक्त लगी हुई हैं, वो बच के नहीं जाएगा। उसने हमारे पुंछ की एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसने यहाँ पे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो बच के नहीं जाएगा। वो जो है, जब तक मैं ये पुंछ की आवाम से ये कहूँगा कि वो कोई भी आदमी जो आपको पहचाने के बगैर आपका किराएदार हो, आगे हो पीछे, उसको पुलिस के हवाले ज़रूर करें और ये कोशिश करें कि अपना भाईचारा हम बना के रखेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो रिलीजियस प्रोग्राम है, जो 11 तारीख को एक नगर कीर्तन जो है यहाँ से निगाली साहब में जाना था, उसी किस तरीके से उसने जो यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। आओ, मैं अपनी सिख कम्युनिटी को भी ये बात कहना चाहता हूँ, किसी किस्म का हमने रोष नहीं करना है। हमने मिलजुल के उस दहशतगर्द का जिसने ये काम करने की कोशिश की है उसका मुकाबला करेंगे और उसको पुलिस के हवाले हमने करना ही करना है सर। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एस के जनरल सेक्रेटरी सर, तो आज जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ गुरुद्वारा मंच साहब के नज़दीक, मेरा घर भी बिल्कुल जो है 5-10 मीटर के साथ है। तो जब ब्लास्ट हुआ, इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ कि कह सकते हैं कि पूरी पुंछ को धरा दिया। हम ही डर के भी हुआ क्या। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे निकले तो हम चले गए आगे, जब हॉस्पिटल की चौकी के पास ही, मैंने कहा यार ब्लास्ट हुआ क्या, ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे गुरुद्वारा साहब की कुछ ये लग गया, घर में ही प्रॉब्लम बड़ी बार, बिल्कुल मेरा घर नज़दीक में है। तो कि बाद में जब वापस आए तो यहाँ पर स्प्लेंडर लगे हुए, वहाँ पर स्मेल आ रही थी। वो स्प्लेंडर कहाँ लगे हुए थे? ये गुरुद्वारा साहब की जो बस गेट के साथ ही 2 मीटर आगे वहाँ पर स्प्लेंडर, इतने स्प्लेंडर कम 500 कम से कम वहाँ पर स्प्लेंडर आ लगे, जिसमें हमें स्मेल आई। फिर हमने देखा भी इस पे, उसको हमने PCR को फोन किया, पुलिस को फोन किया, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा कल, मेरे ख्याल 7-8 तारीख के बाद यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा, जो हमारा एक प्रोग्राम है बैसाखी का प्रोग्राम है, यहाँ से नगर कीर्तन निकल कर जहाँ पर जाएगा नंगाली साहब में जाएगा। तो जब हम पुलिस के पास, पुलिस पूरी आई, यहाँ पर SSP साहब, DC साहब भी पहुँच रहे हैं, एडिशनल SP साहब पहुँचे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑपरेशन DSP साहब भी पहुँचे। तो उन्होंने देखा, जब देखा सब शरे वगैरह मिले, तो उन्होंने शरे पर भी चेक करने के बाद पता चला कि कोई देसी जो चीज़ है, जो देसी चीज़ का ब्लास्ट हुआ। तो हम फुटेज की तरफ देख रहे हैं, तो माम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर ऐसी गार्ड लगाइए, कोई इलेक्शन का समय कोई ऐसी भी मिसअपनी हो सकती है जिसमें ये प्रॉब्लम बन जाएगी जो हमारे आने वक्त, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो हमारा एक हिंदू सिख जो तमाम भला यहाँ पर रह रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं कि हम किसी पर तनकीद नहीं करते, किसी ने कुछ किया, पर प्रॉब्लम यह है कि इस पर पुलिस ने जो आज पुलिस कर रही है, हमें SP साहब पर पूरा हमें कॉन्फिडेंस है, वो करेंगे पूरे तरीके के मुताबिक करने की कोशिश करें। पर एक बात ज़रूर है कि सनसरी तो पहल की ना, हमें डर तो हुआ ना कि हमारे घर नज़दीक है बिल्कुल, और ये बड़ी एक बिजी गली है, शरेआम गली है, एक ही पैदल गली है जो बाज़ार से हॉस्पिटल में लगती है। हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ? यहाँ से हॉस्पिटल का 300 मीटर दूर है, 200-300 मीटर दूर है। तो जो मेरा घर है कम से कम 2-3 मीटर नीचे का बड़ा है इस यहाँ पर। तो उस डर की वजह से हमें देखें इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पूरे पुंछ में आवाज़ आई। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन,
तो यहाँ पर एक पता चला कि हमें कि ये जी गुरुद्वारा साहब पर अटैक था, एक रिलीजियस हमारी एक गुरुद्वारा साहब है जो श्रीमान मान साहब का गुरुद्वारा बैठक है यहाँ पर, इस पर ये उसकी दीवार पर बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। तो यहाँ पर घर भी बहुत ऐसे बस रहे हैं जो कि जिसमें ये पता चलता है कि भाई गुरुद्वारा साहब की दीवार और बिल्कुल साथ साथ जुड़े हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा प्रोग्राम ही है, उस प्रोग्राम के मुताबिक आप यहाँ पर कुछ ना कुछ गार्ड देंगे लोगों को दें और इन्वेस्टिगेशन करें पूरी तरीका से कि कौन आया कौन नहीं आया इस टाइम पर 10:30 के वक्त 10:27 और 10:28 के मुताबिक जो बज रहे थे वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। तो मैं मीडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो Thank you.